वेलकम टू मैकजोना। इस वीडियो में हम रीहीट रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। कंसीडर स्टीम पावर प्लांट दैट ऑपरेट्स ऑन एन आइडियल रीहीट रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल। रीहीट रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल क्या होता है? ये एक ऐसा रैंकिन साइकिल होता है जिसमें रीजनरेशन भी होती है और हम रीहीट भी करवाते हैं। रीजनरेशन का मतलब ये है कि जो हम हीट इनपुट करते हैं बॉयलर में और जो हमारे पास हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम हासिल होती है, हम उससे पावर प्रोड्यूस करने के अलावा फीड वाटर को हीट अप करने का भी काम लेते हैं। यानी जो इनपुट हीट है वो पावर प्रोडक्शन के काम भी आएगी और फीड वाटर को हीट भी करेगी। इसलिए हम इसको रीजनरेशन कह रहे हैं कि जो यूटिलाइज्ड स्टीम है उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा रीहीट यानी एक तो स्टीम टरबाइन में एक्सपेंड होने के बाद अगर हम स्टीम को रीहीट करवा कर दोबारा एक और टरबाइन में उसको एक्सपेंड करवा रहे हैं तो हम इसे रीहीट कहते हैं, यानी दोबारा हीट करेंगे। तो थोड़ा सा इस प्रॉब्लम के लिए ये जो स्कीमेटिक है इसको समझ लेते हैं। बॉयलर में हमने हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम बनाकर हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंड करवा दी। 4 MPa पर कुछ स्टीम हम क्लोज फीड वाटर को दे देते हैं जो रीजनरेशन का प्रोसेस है फीड वाटर को हीट अप करने के लिए, और बाकी जो स्टीम है उसको हम रीहीट करवा कर लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंड करवा लेते हैं। लो प्रेशर टरबाइन में भी हम 0.4 MPa पर ओपन फीड वाटर हीटर में स्टीम दे देते हैं रीजनरेशन का प्रोसेस, और बाकी स्टीम जो है वो कंडेंस हो जाती है। कंडेंस होने के बाद वो दोबारा हम ओपन फीड वाटर के हीटर तक प्रेशर तक उसे प्रेशराइज करते हैं और उसके बाद ये दोबारा क्लोज फीड वाटर में फीड वाटर टेम्परेचर बढ़ाता रहता है अपना, और उसके बाद इसको हम बॉयलर के प्रेशर तक पंप कर देते हैं और इस तरह ये साइकिल रिपीट होता रहता है। इसी के लिए मैंने यहाँ पर TS डायग्राम ड्रा कर दी है। ये 8 से लेकर ये बॉयलर का पोर्शन है, उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपेंशन करवाते हैं 9 से लेकर 10 तक। उसके बाद यहाँ से वाई फ्रैक्शन जो है ये क्लोज फीड वाटर हीटर में चला जाता है, और बाकी जो 1 - y है यहाँ पर हम मैस ऑफ स्टीम 1 kg अज्यूम कर रहे हैं पर यूनिट मैस ऑफ स्टीम। हम ये सारा एनालिसिस करेंगे तो 1 - y जो बचता है वो हम लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंड करवाते हैं। उसके बाद यहाँ से 1 - y एक्सपेंड करता रहता है लो प्रेशर टरबाइन में, और इस पॉइंट पर 0.4 MPa पर हम इसको एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं ओपन फीड वाटर हीटर के लिए। बाकी स्टीम एक्सपेंड करती है, उसके बाद हम इसको कंडेंसर में से कंडेंस करवा लेते हैं, इसको पंप करते हैं टिल द प्रेशर ऑफ दिस ओपन फीड वाटर हीटर। उसके बाद हम इसको दोबारा पंप करते हैं टिल द बॉयलर प्रेशर 3 से 4। क्लोज फीड वाटर हीटर में जो एक्सट्रैक्टेड स्टीम होती है वो फीड वाटर को गर्म करती है, इसका टेम्परेचर 4 to 5 हो जाता है, और उसके बाद हम इसको फीड जो एक्सट्रैक्टेड स्टीम थी क्लोज फीड वाटर हीटर से होने के बाद हम उसको टिल द बॉयलर प्रेशर प्रेशराइज कर देते हैं ये 6 to 7, और इस तरह ये साइकिल बार बार चलते रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम का जो बेसिक साइकिल है वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आए तो काइंडली कमेंट, आई विल आंसर। लेट्स कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम। रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल विद 1 ओपन फीड वाटर हीटर 1 क्लोज्ड फीड वाटर हीटर एंड 1 रीहीटर। ओपन फीड वाटर हीटर ये, क्लोज्ड ये, और रीहीटर ये जो दोबारा स्टीम हम रीहीट करवा रहे हैं। स्टीम इंटर्स द टरबाइन एट 15 MPa एंड 600°C। इस पॉइंट की बात हो रही है टेम्परेचर एंड प्रेशर एट इंट्री ऑफ हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन, एंड इज कंडेंस इन द कंडेंसर एट अ प्रेशर ऑफ 10 kPa। कंडेंसर का प्रेशर गिवन है 10 kPa। सम स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टरबाइन एट 4 MPa फॉर क्लोज फीड वाटर हीटर। यानी ये 4 MPa कुछ स्टीम हम क्लोज फीड वाटर के लिए एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं, एंड रिमेनिंग स्टीम इज रीहीटेड एट द सेम प्रेशर टू 600°C। और वाई हमने एक्सट्रैक्ट करवा ली, टोटल हमारे पास 1 kg था, तो 1 - y जो बाकी बचा हम उसको हम लो प्रेशर टरबाइन में भेज देंगे। एक्सट्रैक्टेड स्टीम इज कम्प्लीटली कंडेंस इन द हीटर एंड पम्प टू 15 MPa बिफोर इट मिक्सिस विद द फीड वाटर एट द सेम प्रेशर। यहाँ से ये जो एक्सट्रैक्टेड स्टीम है
ये जो सिक्स पर आती है तो यहाँ पे सेचुरेटेड लिक्विड बन चुका होता है, ये आप देख सकते हैं। यानी ये 10 से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये अपनी जो हीट रिजेक्ट करती है तो ये सेचुरेटेड लिक्विड बन चुका होता है। उसके बाद हम इसको पंप लगा कर बॉयलर के प्रेशर तक हम इसको हीट प्रेशराइज कर देते हैं। स्टीम फॉर ओपन फीड वाटर हीटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लो प्रेशर टर्बाइन एट अ प्रेशर ऑफ 0.4 मेगापास्कल। अभी लो प्रेशर टर्बाइन से हम 0.4 मेगापास्कल पर स्टीम एक्सट्रैक्ट करवाते हैं और ये बाकी सारे साइकिल जिस तरह मैंने पहले आपको बताया ये वैसे चलता रहता है। दोस्तों प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, बस इसकी स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गई तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। काइंडली कमेंट करें अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया जाए। डिटरमाइन द फ्रैक्शंस ऑफ द स्टीम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्बाइन, यानी यहाँ पर जो हाई प्रेशर टर्बाइन से हमने ये जो वाई फ्रैक्शन एक्सट्रैक्ट की थी और लो प्रेशर टर्बाइन पर से जो जी फ्रैक्शन हमने एक्सट्रैक्ट की थी ये हमने फाइंड करनी है। और क्या फाइंड करना है, एज वेल एज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, और इस साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करनी है। थर्मल एफिशिएंसी ये मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ नेटवर्क ओवर क्यू इन। अब नेटवर्क किस चीज़ के बराबर होगा, नेटवर्क बराबर होगा टर्बाइन वर्क जो आउटपुट होगा माइनस पंप का वर्क जो मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब टर्बाइन का वर्क मैं कैसे निकाल सकता हूँ, टर्बाइन का आउटपुट वर्क होगा H9 से H10 तक जो एक्सपेंशन हुई H9 माइनस H10। उसके बाद ये रीहीट करवाया हमने, उसके बाद H11 से लेकर H12 तक जो एक्सपेंशन होगी, लेकिन इस दौरान जो मैस होगा वो 1 माइनस Y होगा क्योंकि Y तो हमने एक्सट्रैक्ट करवा लिया है। तो 1 माइनस Y H11 माइनस H12 प्लस, उसके बाद यहाँ तक हो गया H11 से H12 तक एक्सट्रैक्ट हो हमने एक्सपेंड करवा लिया। उसके बाद यहाँ पर Z फ्रैक्शन जो है वो एक्सट्रैक्ट होगी, ऑलरेडी 1 माइनस Y था तो Z मजीद गया तो बाकी बचा 1 माइनस Y माइनस Z, इसकी हम एक्सपेंशन करवाएंगे H12 से H13 तक, यानी ये वाला है H11 से इस पॉइंट तक, H11 से 12 तक हमने यहाँ पर इसको एक्सपेंड करवा लिया था। उसके बाद यहाँ से Z फ्रैक्शन निकल गया तो जो बाकी बचा 1 माइनस Y माइनस Z वो हम एक्सपेंड करवाएंगे H12 माइनस H13 तक। पंप का वर्क हम किस तरह निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे क्योंकि हम एक्सट्रैक्शन फ्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हर पंप के लिए मैस फ्लो रेट डिफरेंट होगा। पंप वन के लिए जो मैस फ्लो रेट होगा वो 1 माइनस वाई माइनस जेड, यानी ये वाला जो इस 1 माइनस वाई माइनस जेड वर्क ऑफ पंप वन प्लस। अब जो ये वाला पंप डील करेगा यहाँ पर क्योंकि जेड फ्रैक्शन आके मिल जाएगा ओपन फीड वाटर में तो 1 माइनस वाई माइनस जेड में जेड ऐड होगा तो ये बच जाएगा 1 माइनस वाई वर्क डन बाय पंप टू प्लस। अब पंप थ्री का जो वर्क है, पंप थ्री में सिर्फ ये जो हाई प्रेशर टर्बाइन से हम जो एक्सटेंशन करवाई थी ये वही आ रही है तो इसमें सिर्फ मैस है वाई, तो इसको हम लिखेंगे वाई इंटू वर्क डन ऑफ पंप थ्री। अच्छा उसके बाद क्यू इन फाइंड करना है हमने, क्यू इन इक्वल होगा जो हमने हीट दी है H8 से लेकर हमने H9 तक, यानी H9 माइनस H8 ये जो हमने हीट की और उसके बाद जो हमने रीहीट करवाया उस दौरान जो हीट दी। अब जो रीहीट करवाया है वो हमने करवाया है 1 माइनस Y फ्रैक्शन को, 1 Y तो एक्सट्रैक्ट हो गई थी ना क्लोज फीड वाटर में, जो बाकी बची 1 माइनस Y उसको हमने रीहीट करवाया है और इस दौरान H11 माइनस H10 यानी ये जो पोर्शन है H11 माइनस H10 ये हमारे पास आ जाएगा Qin। अब इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर ले तो हम ये थर्मल एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं और एक्सट्रैक्शन फ्रैक्शंस भी निकाल सकते हैं।
तो मेरे पास टरबाइन के इनलेट पर इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है. प्रेशर एट पॉइंट 9 इज 15 मेगापास्कल एंड टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज 600 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसके अगेंस्ट में जाकर सुपर हीटेड रीजन में इंथैल्पी और इंट्रॉपी की वैल्यू नोट डाउन कर लूँगा. इंथैल्पी की वैल्यू आती है 3583.1 किलो जूल पर केजी और इंट्रॉपी की आती है 6.6796 किलो जूल पर केजी केल्विन. इसी तरह इस पॉइंट पे प्रेशर एट पॉइंट 10 मेरे पास है 4 मेगापास्कल और S10 जो होगा वो S9 के बराबर होगा क्योंकि आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन है. तो इसके अगेंस्ट में जाकर सुपर हीटेड रीजन में वैल्यू देखूंगा तो H10 मेरे पास आ जाएगा 3155 किलो जूल पर केजी. उसके बाद ये जो 11 वाला पॉइंट है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सेम है जो हाई प्रेशर टर्बाइन के इनलेट पे था, यानी T11 भी 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो है 4 मेगापास्कल. ये वाला जो लाइन का प्रेशर है 4 मेगापास्कल. तो यहाँ से मेरे पास H11 की वैल्यू आ जाएगी 3674.9 किलो जूल पर केजी और इंट्रॉपी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इस पॉइंट पर 7.3706 किलो जूल पर केजी केल्विन. H11 भी आ गया. अब जो H12 है इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर तो है मेरे पास 0.4 मेगापास्कल और आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन है क्योंकि लो प्रेशर टर्बाइन में भी, तो मेरे पास H12 जो है वो H11 के बराबर होगा. प्रेशर एट पॉइंट 12 इज 0.4 मेगापास्कल एंड एंट्रोपी एट पॉइंट 12 इज सेम एज एट 11. तो मेरे पास यहाँ से जो H12 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2959.56 किलो जूल पर केजी. अब 12 पे अगर 13 पॉइंट के ऊपर इंथैल्पी निकालने के लिए ये कंडेंसर का प्रेशर मुझे गिवन है. प्रेशर एट पॉइंट 13 इज 10 किलो पास्कल और ये सैचुरेटेड लिक्विड रीजन है. तो इसमें जाकर मैं सैचुरेशन रीजन में जाकर एच एफ जी की वैल्यूज नोट डाउन कर लूँगा. एच एफ है 191.81 किलो जूल पर के जी. एच एफ जी है मेरे पास यहाँ पर 2392.1 किलो जूल पर के जी. एस एफ की वैल्यू आती है 0.649 किलो जूल पर के जी केल्विन और एस एफ जी की वैल्यू आती है 7.4996 किलो जूल पर के जी केल्विन. अब S13 पे जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो सेम होगी S11 पे क्योंकि आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन है. तो S13 इज इक्वल टू S11 इज इक्वल टू SF प्लस X13 SFG. तो यहाँ से मेरे पास जो क्वालिटी की वैल्यू आ जाएगी X13 पे वो आती है 0.89. तो H13 भी मैं इसी तरीके से निकाल लूँगा, HF प्लस X13 HFG. तो H13 की जो वैल्यू आती है वो मेरे पास आती है 2335.7 किलो जूल पर केजी. तो दोस्तों टर्बाइन के आउटपुट निकालने के लिए मुझे H9 चाहिए, वो भी मैंने निकाल लिया. H10 चाहिए, वो भी मैंने फाइंड कर लिया. H11 चाहिए, वो भी मैंने फाइंड कर लिया. H12 चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया. H13 चाहिए. तो टर्बाइन के लिए इंथैल्पी की जितनी वैल्यूज चाहिए थी वो मैंने सारी फाइंड कर ली है. बाकी रह गई ये मैस फ्रैक्शंस Y और Z, ये हम थोड़ी देर तक करते हैं. थोड़ा अब पंप वाले हिस्से की तरफ मूव करते हैं. तो वर्क पंप का वर्क निकाल लेते हैं. वर्क डन फॉर पंप 1. तो पंप 1 का जो वर्क है वो ये वाला है इस रीजन के दौरान, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम एट पॉइंट 1 × P2 - P1. अब स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है 0.1 पर वो होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एट 10 किलो पास्कल. दोस्तों हो सकता है आपके जहन में ये सवाल पैदा हो कि यहाँ पे तो हम मैस फ्रैक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे, हालांकि यहाँ पे तो मैस की वैल्यू डिफरेंट आ रही है. तो दोस्तों इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है वो सिर्फ ये वाली जगह है. यहाँ पे हम पर केजी इसको हम डील करेंगे,
लेकिन जब हम पूरे साइकिल को देखेंगे तो हर जगह पे मास डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल वॉल्यूम सिर्फ ये है, तो हम इसको पर केजी करेंगे, लेकिन जब ओवरऑल के लिए करेंगे तो हम इसके साथ इसकी मास फ्रैक्शन लगा लेंगे। तो यहाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू आती है 0.0101 मीटर क्यूब पर केजी। प्रेशर एट 0.2 है, 0.4 मेगा पास्कल और यहाँ पे 10 किलो पास्कल। यहाँ से आप पंप वन का वर्क निकाल लेंगे जो आ जाएगा 0.394 किलो जाउल पर केजी। इसी तरह पंप टू का वर्क निकाल लेंगे, वो आ जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 0.3, ये वाला जो रीजन है स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 0.3 इंटू P4 माइनस P3। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 0.3 जो है इसकी आप वैल्यू निकालेंगे, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एट 0.4 मेगा पास्कल, यानी न्यू एफ एट 0.4 मेगा पास्कल। इसकी वैल्यू आप जाके देख लेंगे और ये आती है 0.4 मेगा पास्कल के ऊपर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड की वैल्यू 0.001084 मीटर क्यूब पर केजी। और पंप टू के वर्क की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.9 किलो जाउल पर केजी। इसी तरह पंप थ्री का वर्क आप फाइंड कर लेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू आप लेंगे 6 पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड 0.6 और P7 माइनस P6, यानी ये वाला जो पंप है P7 माइनस P6। P7 जो है वो 15 मेगा पास्कल है और P6 जो है 4 मेगा पास्कल है। और यहाँ पे आप स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एट 4 मेगा पास्कल पे जाके वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास पंप थ्री का वर्क आ जाएगा 13.75 किलो जाउल पर केजी। तो आपने पंप वन का भी वर्क निकाल लिया, टू का भी निकाल लिया, थ्री का भी निकाल लिया। इसी तरह क्यू इन के लिए हमें H9 की वैल्यू चाहिए और H11 चाहिए, वो भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और H10 चाहिए। H10 की जो वैल्यू है वो भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वाली है। तो मेरे पास यहाँ पे H8 अननोन है और बाकी मास फ्रैक्शंस अननोन है। तो मास फ्रैक्शंस को पहले निकाल लेते हैं। एनर्जी एनालिसिस हम अप्लाई करते हैं क्लोज्ड फीड वाटर के लिए, क्लोज्ड फीड वाटर हीटर, यानी इसमें जो मास इनटू इंथैल्पी हम मल्टीप्लाई करेंगे इनलेट के लिए भी और एग्जिट के लिए भी। तो इनलेट हो रहा है इसमें YH10 प्लस, यहाँ से इनलेट हो रहा है 1 माइनस YH4 और यहाँ से निकल रहा है 1 माइनस YH5 और यहाँ से जो एग्जिट हो रहा है प्लस YH6। तो इनलेट मास फ्रैक्शन इनटू एनर्जी, ये जितने भी इनलेट हैं यानी 4 और यहाँ से 10 वाली साइड से, ये इनलेट और आउटलेट इन दोनों को हमने बराबर कर लिया। तो इसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो आपके पास जो y आ जाएगा आपके पास H5 माइनस H4 ओवर H5 माइनस H4 प्लस H10 माइनस H6। यहाँ पे हमारे पास H5 की वैल्यू हमें चाहिए, तो H5 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो 15 मेगा पास्कल है और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 250.35 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोस्तों अटेंशन प्लीज़, ये पॉइंट, ये वाला टेम्परेचर कहाँ से आया है? दोस्तों आइडियली क्लोज्ड फीड वाटर हीटर में से जब फीड वाटर निकलता है, यानी यहाँ से 4 से 5 के ऊपर जो फीड वाटर निकलेगा, इसका टेम्परेचर जो है वो बराबर होता है सेचुरेशन टेम्परेचर के, जो होता है एट एग्जिट ऑफ द एक्सट्रैक्टेड स्टीम। यानी यहाँ पे हमने जो स्टीम एक्सट्रैक्ट की थी स्टीम टर्बाइन से, वो जब क्लोज फीड वाटर से एग्जिट होगी, यानी जो 0.6 पे उसका टेम्परेचर होगा सेचुरेशन टेम्परेचर, वही टेम्परेचर होगा फीड वाटर का। यानी जो 6 पे टेम्परेचर है 4 मेगा पास्कल प्रेशर है, तो 4 मेगा पास्कल गेन सेचुरेशन टेम्परेचर है 250.35 डिग्री सेंटीग्रेड,
यही टेम्परेचर होगा फीड वाटर का जब वो क्लोज फीड वाटर हीटर से निकल रहा है, यानी टी फाइव बराबर होगा टी सेचुरेशन के एट 4 मेगापास्कल। और वो सेचुरेशन टेम्परेचर क्या है 4 मेगापास्कल, वो है 250.35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन में जाके एच फाइव की वैल्यू नोट कर लेंगे, ये आ जाएगी 1087.4। अगर नहीं समझ आया तो काइंडली कमेंट करें, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। यहाँ से हमारे पास एच फाइव की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद मैंने एच फोर की वैल्यू निकालनी है। एच फोर की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ एच थ्री प्लस वर्क डन बाय, ये वाला पॉइंट है एच थ्री प्लस वर्क डन बाय पंप टू। एच थ्री की वैल्यू होगी मैं एच एफ एट 0.4 मेगापास्कल, यानी इस पॉइंट के ऊपर एच एफ की वैल्यू मैं निकाल लूँगा। तो एच थ्री की वैल्यू आती है मेरे पास 604.66 किलो जाउल पर केजी, और एच फोर की वैल्यू आ जाती है यहाँ से मेरे पास 608.65 किलो जाउल पर केजी। एच फाइव भी आ गया, एच फोर भी आ गया मेरे पास, एच टेन की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। उसके बाद मुझे चाहिए एच सिक्स की वैल्यू। एच सिक्स है एच एफ, यानी इस पॉइंट की मुझे चाहिए। तो ये एच एफ की वैल्यू हो जाएगी एट 4 मेगापास्कल। तो एच सिक्स की वैल्यू आ जाती है 1087.4 किलो जाउल पर केजी। अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई, एच सिक्स भी आ गया, एच फाइव एच फोर सारे आ गए। तो ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो हमारे पास जो वाई की आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.19। तो हमारा पहले पार्ट का एक हिस्सा सॉल्व हो गया 0.19। उसके बाद हम यही एनर्जी एनालिसिस ओपन फीड वाटर हीटर के लिए लगाते हैं ताकि हम बाकी फ्रैक्शन भी निकाल सकें। एनर्जी एनालिसिस ऑफ ओपन फीड वाटर हीटर, तो ओपन फीड वाटर हीटर में बिल्कुल उसी तरह मास फ्रैक्शन इनटू एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करेंगे, जेड इनटू एच ट्वेल्व प्लस वन माइनस वाई माइनस जेड एच टू, और ये इसमें इनलेट हो गया, और जो एग्जिट हो रहे हैं वो है 1 माइनस वाई एच थ्री। अब एच थ्री की वैल्यू ये है पड़ी, एच टू की वैल्यू वो हमें हम निकाल सकते हैं एच टू इज़ इक्वल टू एच वन प्लस वर्क डन बाय पंप वन। इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालनी एच वन प्लस वर्क डन बाय पंप वन। एच वन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो एच एफ है एट 10 किलो पास्कल, ये वाली 191.81। और पंप वन का वर्क भी हमारे पास है यहाँ पे जो हमने निकाला था ये। तो यहाँ से मेरे पास एच टू की वैल्यू आ जाएगी 192.30 किलो जाउल पर केजी। एच टू भी आ गया, एच ट्वेल्व जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये है एच ट्वेल्व की वैल्यू। तो यहाँ से हम जेड की फ्रैक्शन निकाल लेंगे, इसको आप थोड़ा सा ना मैनिपुलेट करके ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं 0.12। तो जेड की वैल्यू भी आ गई 0.12। उसके बाद हमारे पास जो एक और आखिरी अननोन बच रहा है वो है एच एट। तो हम एनर्जी एनालिसिस लगा लेते हैं मिक्सिंग चैम्बर के लिए, जो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसी को यूज़ करते हैं हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर वेरी क्लोज मिक्सिंग चैम्बर के लिए जो इनलेट है वो लिख लेते हैं। तो इनलेट है इसमें से ये वाला जो आ रहा है, ये वाई फ्रैक्शन जो आ रही थी, इसको हमने जो पंप किया वाई एच सेवन प्लस, इधर से जो आ रहा था वो आ रहा था 1 माइनस वाई एच फाइव इज़ इक्वल टू वाई, ये जो ऊपर गया वाई एच एट। हमारे पास वाई की वैल्यू भी है एच सेवन, एच सेवन की वैल्यू वो हम निकाल सकते हैं एच सेवन इज इक्वल टू एच सिक्स इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला पॉइंट सेवन है। तो सिक्स की वैल्यू प्लस वर्क डन बाय पंप थ्री।
तो यहाँ से H7 की वैल्यू आ जाएगी, पंप 3 की वैल्यू आप ये वाली यूज़ कर लेंगे, 1101.2 किलो जाउल पर केजी। तो H7 की भी वैल्यू आ गई, H5 हमारे पास ये वाली वैल्यू है वो भी आ गई, तो यहाँ से आप H8 निकाल लेंगे, H8 आ जाएगा 1090.02 किलो जाउल पर केजी। हमारे पास H2 भी आ गया, Y भी आ गया, Z भी आ गया। तो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। तो इसके मुताबिक भी हमारे पास हीट इनपुट की वैल्यू आती है वो है 2914.19 किलो जाउल पर केजी। पंप की इनपुट वर्क जो आता है हमारे पास ओवरऑल वो आता है 6.04 किलो जाउल पर केजी। इसी तरह टर्बाइन का जो आउटपुट वर्क आता है वो आता है हमारे पास 1437.98 किलो जाउल पर केजी। और टर्बाइन और पंप का जो वर्क आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नेटवर्क आ जाएगा, उसकी वैल्यू आती है 1431.9 किलो जाउल पर केजी। इस नेटवर्क और क्यू इन को आपस में आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी और उसकी वैल्यू आती है 49.1%। दोस्तों ये था प्रॉब्लम, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है लाजमी कमेंट करें, आई विल रिप्लाई। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए बेल के आइकॉन पर प्रेस करें। थैंक यू, गुड बाय।